जिला अस्पताल में लगी आग में 10 बच्चों की हुई मौत मामले की न्यायिक जांच को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बुलाए गए भंडारा बंद को मिला जुला समर्थन मिलता दिखाई दिया। आमतौर पर भंडारा में सुबह 11 बजे दुकानें खुलती है, लेकिन दोपहर 1 बजे तक इक्का दिक्का दुकानें छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रही। इधर यातायात रोज की तरह सुचारू रूप से चलता रहा। सांसद सुनील मेने ने कल ही इस जिला बंद की घोषणा की थी। मेने ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने भंडारा में एक दिन के बंद का फैसला इस हादसे पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया है। हम चाहते हैं कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अस्पताल दौरे को लेकर कहा कि उन्हें लगा था कि अपने दौरे पर तत्काल प्रभाव से सिविल सर्जन, डॉक्टर और अन्य स्टाफ को सस्पेंड करेंगे और बारीकी से जांच के आदेश, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कारण ऐसा लग रहा है कि सरकार दोषियों को बचाना चाहती है। बता दें कि कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिला अस्पताल का दौरा किया था। इसी के साथ उन्होंने मृत बालकों की माताओं से मिलकर उन्हें सांत्वना दी थी। आरोप वाचवता है अजूनही मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल झाला नाही, अजूनही 10 लाख रुपये परिवाराच्या अकाउंट मध्ये गेले नाही। आरोग्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री खोटं बोलून गेलेत आणि म्हणून आज आम्ही भंडारा बंदचा कॉल घेतलेला आहे। भंडाराच्या जनतेने, नागरिकांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद दिला आहे आणि संपूर्ण बंद पाडलेला आहे। जर सरकारने मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला नाही, सरकारने 10 लाख रुपये परिवाराला दिले नाही, सरकारने त्या रुग्णालयामध्ये संपूर्ण अग्निशामक यंत्रणा आणि अद्ययावत रुग्णालय केलं नाही, तर भारतीय जनता पार्टी निरंतर हे आंदोलन चालू